हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव की क्लासेस। पर दोस्तों, इससे पहले हम एक्टिव एंड पैसिव के बारे में पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि टेंसेस की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्लासेस के लिए, क्योंकि हम शुरुआत से ही टेंसेस को ही लेकर चलेंगे और समझेंगे कि एक्टिव में कौन सा टेंस लग रहा है, और जब एक्टिव में कोई मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट लगता है तो पैसिव में कौन सा टेंस लगेगा। इसलिए अगर आपने टेंसेस की क्लास नहीं देखी है तो पहले आप टेंसेस की क्लासेस को अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर आप हमारी एक्टिव एंड पैसिव की वीडियोस देखिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम शुरुआत करते हैं ये समझने में कि एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, एक्टिव सेंटेंसेस का मतलब जिसमें सब्जेक्ट पे जोर दिया जाए, और पैसिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो अब हमारा मतलब क्या है जोर देने से, सब्जेक्ट पे जब हम जोर दे रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों, सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होने का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि जब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाता है तो उसे कहा जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, और जब सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा दोस्तों तो एक्टिव सेंटेंस आ जाता है। और अब पैसिव सेंटेंस में क्या होगा, पैसिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। अब थोड़ा सा हम पहले समझते हैं कि इनका सिंटैक्स क्या होता है, साथ साथ ये भी समझते चलते हैं। दोस्तों, एक्टिव सेंटेंसेस में तो सिंपल होता है सिंटैक्स, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी हमें टेंस के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लगा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। पर इस और वर्ब की भी कोई फॉर्म डिपेंड करती है, भाई कंटिन्यूस फॉर्म है तो हमें याद ही है V4 लगाएंगे, अदरवाइज V1 या V5 कुछ लगाएंगे, डिपेंडिंग कि कौन सा हमारा टेंस है। बट पैसिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली फिक्स बात तो ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट आएगा कंपल्सरीली, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आना इसमें कंपल्सरी है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हमारा पैसिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता। उधर तो ऑप्शनल था बट इधर कंपल्सरी है। जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो वर्ब भी आएगा अब साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है दोस्तों। इधर ये ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, अगर पैसिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना तो कंपल्सरी ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बाय आना भी कंपल्सरी है, ये भी इसमें कंडीशन है कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी तो उसके बाद बाय आएगा, और उसके बाद अब फाइनली आ रहा है सब्जेक्ट एकदम लास्ट में। फोकस हमने अपना सारा ऑब्जेक्ट पे दिया, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके फिर हमने एक हेल्पिंग वर्ब मस्ट लगाया ही लगाया, कोई चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो वो, डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस एंटेंस, फिर उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, उसके बाद बाय और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अच्छा, आप में से अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है तो ये दोस्तों पहले तो हमने पढ़ा चुके हैं वैसे अपनी पहली क्लास में, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट दोस्तों होता है कर्ता, जो काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है या जो प्राणी काम कर रहा है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों दूसरा नाउन, एक तो मेन सब्जेक्ट, एक तो हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है, जैसे कि आई टॉट देम, मैंने उन्हें पढ़ाया था। तो ये देम क्या है दोस्तों, आई तो हो गया मैं करता हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पर देम मैं उनको पढ़ा रहा हूं, उनके ऊपर मतलब पढ़ाई मैं कर रहा, मैं पढ़ा रहा हूं, बट इसका फायदा, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, दूसरों को, देम को। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मेन हमें सबसे पहले छांटना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद जो बचा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट, ये वो एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस हो गए। अब दोस्तों, इसमें एक और मैं सेंटेंस लेता हूँ, इसी को ही अगर मैं लूँ, आई टीच देम, दे आर टॉट बाय मी। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा दोस्तों, इधर आई का मैंने मी कर दिया और देम का दे कर दिया। क्यों मैंने ये नहीं लिखा कि देम आर टॉट बाय आई, मैंने क्यों देम का दे कर दिया और आई का मी कर दिया, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में एक और चीज होती है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये भी अब हम समझते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए इन दोनों के सिंटैक्स,
फिर हम समझते चलते हैं कि क्या है, होते हैं ये दो तरह के प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की हम बाद में भी बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे, बट फिलहाल हमारे लिए बेसिक समझना थोड़ा सा जरूरी है ऑब्जेक्टिव नाउन और सब्जेक्टिव नाउन के बारे में। पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यू की और इट की। यू दोस्तों यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में, इट भी इट ही रहेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ही। बट अब हम बात करते हैं क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से वो प्रोनाउंसेशन में चेंजेस आ जाते हैं। आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे जैसे हमने उधर भी देखा था देम हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव, जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है तो हम ये सारे वर्ड्स लगाएंगे, पर जब हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है तो हम ये वाले नाउंस प्रोनाउंस लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का। अब हम समझेंगे एक एक टेंस को लेकर कि किस टेंस में एक्टिव सेंटेंस का क्या सेंटेंस है, और उन टेंसेज में प्रोनाउन ये पैसिव सेंटेंसेज को क्या सिंटेक्स में लिखा जाता है। हमारे करीब 9 रूल्स हैं दोस्तों जिनको हम पढ़ेंगे, जो टेंसेस और हमारे एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को मिलाकर बनाए गए हैं। 8+1 बेसिक रूल्स। अब ये प्लस वन क्यों क्या है दोस्तों, ये भी हम देखेंगे आगे। 8 रूल तो हमारे एक जैसे हैं जो 8 टेंसेस के लिए यूज होंगे, और बाकी बचे हुए हमारे 4 टेंसेस के लिए एक ही रूल है, पर वो हम अपना अब धीरे धीरे समझते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टेंस है, और सबसे पहला टेंस हमें याद है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता था, जिसे हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी कहा करते थे, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सबसे पहले तो हमें याद करना है सिंटेक्स, सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वेयर वर्ब इज आइदर 1 और 5, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की या फिफ्थ फॉर्म वर्ब की, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक्सेप्शन था बस आई, क्योंकि आई के साथ में वर्ब जो है प्लूरल ही आ रहा था, बस वो हमें एक्सेप्शन याद रखना था। अच्छा एक और बात थी कि हेल्पिंग वर्ब जनरली नहीं आता, कभी कभार मजबूरी में लगाना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लगाने में। ये हो गया हमारा एक्टिव फॉर्म, जो एक सिंपल हमने सिंटेक्स पढ़े थे दोस्तों पहले टेंस के, वो सभी हमने एक्टिव फॉर्म के ही पढ़े थे। अब हमें सीखना है कि इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, इसको पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है हमको, यानी कि ऑब्जेक्टिव को कैसे ज्यादा महत्व देना है। ऑब्जेक्टिव आ गया हमारा सबसे पहले, उसके बाद आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और उसके बाद आ गया हमारा, ये ध्यान देना दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है लगानी, इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म का सिंटेक्स। अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब इसको कन्वर्ट करें हम पैसिव में, अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर। वह अच्छा गाना गाती है, वह एक मीठा गाना गाती है, एक मीठा गाना उसके द्वारा गाया जाता है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों ही हमने जब बोले सेंटेंसेस हिंदी में तो दोनों ही सही हैं, बस घुमा दिया उसी सेंटेंस को। एक में कह दिया कि वह अच्छा गाना गा रही है गाती है, दूसरे में कह दिया अच्छा गाना उसके द्वारा गाया जाता है। अब दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस गलत नहीं कह सकते। इसीलिए दोस्तों यही, क्योंकि हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा तरीके होते हैं बोलने को किसी भी सेंटेंस के लिए, इसलिए एक्टिव एंड पैसिव को बनाया गया है कि इंग्लिश में डिसाइड कर लिया कि एक्टिव जो एक तरीका है बोलने का, वो सभी एक्टिव की कैटेगरी में चले जाएंगे, और जो दूसरा हमारा घुमाने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट पहले लाओ सब्जेक्ट बाद में लाओ, ये तरीका पैसिव के टाइप्स में चले जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब आइए एक और देखते हैं, आई टीच
देम। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, दे आर टॉट बाय मी। अच्छा एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे दोस्तों, ये डैम का मैंने दे कर दिया है और आई का मैंने मी कर दिया है, क्योंकि उधर हमने पढ़ा था कि प्रोवर्ब की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। अब क्या किया मैंने, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और इधर लगा दिया सब्जेक्ट। अब एक काम करते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस भी लेकर देख लेते हैं। ही डज नॉट टेल राइट आंसर, उसने सही जवाब नहीं दिया। इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो राइट आंसर इज नॉट, राइट आंसर इज नॉट टोल्ड बाय हिम, उसने सही जवाब नहीं दिया, सही जवाब उसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो ये सही जवाब उसके द्वारा नहीं दिया गया। तो ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका नेगेटिव सेंटेंस को। इधर बस ध्यान एक छोटी सी बात करनी थी कि नॉट जो है थर्ड प्लेस पर ही रहेगा, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा एक बात और देखकर कंफ्यूज मत हो जाइए दोस्तों, ये राइट आंसर पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी तरह ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा राइट आंसर। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया राइट आंसर, दूसरा हो गया हमारा वर्ड, हो गया हेल्पिंग वर्ब इज, तीसरे प्लेस पर हमने नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम अपना सेकेंड टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही, पहले हम सिंटेक्स डिस्कस करते हैं अपना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सिंटेक्स क्या था दोस्तों, सबसे पहले तो आता था इधर अगेन सब्जेक्ट, फिर इधर हेल्पिंग वर्ब आता था इज एम आर, और फिर उसके बाद आपको याद हो गई कि जैसे ही कंटिन्यूअस देखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना सोचे समझे लगा देनी है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता था। अब अगर हम इसकी, ये तो हो गया हमारे एक्टिव फॉर्म, अब इसकी हम पैसिव फॉर्म की बात करें तो वही जो हम रूल हमने अभी तक समझा है उसी को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद आ गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा हमने पढ़ा था। बट नहीं दोस्तों, इधर एक चेंज है और वो चेंज है कि बींग आता है। ये बात हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगी और पैसिव फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा वर्ब नहीं लगा देना है, दोनों के बीच में बीइंग आएगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो। ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर बाय, और उसके बाद हमारा आ गया सब्जेक्ट। अब अगर इसका एग्जाम्पल भी देखें तो शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। एक चीज और नोटिस करना है दोस्तों, इधर जो इज एम आर है, जब हम ऊपर इज एम आर की बात कर रहे थे तो सब्जेक्ट के बेस पर आ रहा था, पर जो नीचे हम इज एम आर की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट के बेस पर आएगा। जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लग रहा हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बेस पर ही हमारा हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होगा। शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह अच्छा गाना, वह मीठा गाना गा रही थी, एक मीठा गाना उसके द्वारा गाया गया, या एक मीठा गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आई एम, आई के साथ दोस्तों एम आता है, आई एम टीचिंग देम, दे आर बींग टॉट बाय मी, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं, वे मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं।
अब इधर भी हम एक नेगेटिव सेंटेंस को चेक कर लेते हैं, ही डज नॉट टेल, ही इज नॉट टेलिंग राइट आंसर्स, ही इज नॉट टेलिंग राइट आंसर्स। इसका क्या हो जाएगा पैसिव फॉर्म, राइट आंसर्स, ध्यान दीजिएगा आंसर नहीं आंसर्स लिखा है, इसीलिए राइट आंसर्स आर नॉट बीइंग टोल्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम। नॉट पे खास ध्यान देंगे दोस्तों हम, राइट आंसर हमारा एक ऑब्जेक्ट था, सेकंड आ गया हेल्पिंग वर्ब और थर्ड आ गया हमारा नॉट, बस यही चीज चेंज करिए कि नॉट एक्स्ट्रा आ गया इधर, और तो कुछ चेंज ही नहीं किया हमने। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका भी सबसे पहले हम सिंटेक्स पे ध्यान देंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई करी थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या सिंटेक्स था दोस्तों इसका, सब्जेक्ट, जैसे कि हम अभी तक लगाते आ ही रहे हैं भाई, एक्टिव फॉर्म में सबसे पहले आता ही है सब्जेक्ट, उसके बाद आता था हैज, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता था दोस्तों, उसके बाद आता था वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सिंपली ऑब्जेक्ट आ जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, तो हमें याद है सब कुछ। अब आते हैं हम पैसिव फॉर्म पे, सबसे पहले अब इधर लाएंगे हम ऑब्जेक्ट को, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम अब हैज हैव हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसको ले आते हैं, उसके बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं दोस्तों इधर भी एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है बीन, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर आखिर में हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो उधर हमने जब कंटिन्यूस की बात कर रहे थे तो बीइंग ऐड किया, पर जब हम अपने परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो बीन ऐड कर रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अब आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को ही चेंज करके, शी हैज संग अ स्वीट सॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा पैसिव फॉर्म, अ स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर, वह अच्छा गाना गा चुकी है, एक अच्छा गाना उसके द्वारा द्वारा गाया जा चुका है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, आई, आई के साथ दोस्तों एक्सेप्शन है, हैव आता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ाई था, आई हैव टॉट देम, दे हैव बीन टॉट बाय मी। इधर दोस्तों एक बात ध्यान देने की कि हैव हमने इधर आई की वजह से लगाया और इधर का हैव हमने दे की वजह से लगाया है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है नाउन सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, उसके बेस पर ही हम अपने हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हाँ इसमें एक्टिव फॉर्म में भी आ रही थी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में भी आती है, तो उधर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, ही हैज नॉट टोल्ड राइट आंसर, राइट आंसर हैज नॉट बीन टोल्ड बाय हिम। बस वही हमने जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि नॉट को थर्ड प्लेस पे लाना था और हम ले आए थर्ड प्लेस पे, बाकी तो बीन इधर आना ही है क्योंकि हमारा परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आ गई बाय, और फिर आखिर में हमारा सब्जेक्ट आएगी, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता ही है, तो इधर कुछ भी खास चेंज नहीं है। अब आइए हम समझते हैं हमारा जो ये प्लस वन का रूल है इसके बारे में। तो दोस्तों हम बात करेंगे ये 8+1 जो हमने लिखा हुआ था इस प्लस वन रूल की।
ये रूल क्या कहता है कि दोस्तों हमारे चार टर्म्स ऐसे हैं जिनमें पैसिव फॉर्म बन ही नहीं सकता। वो चार टर्म्स कौन से हैं आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस है हमारा, इनके क्या रीजन है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्यों इन चारों के साथ में हम पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा कि जो पहला आ रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके सिंटेक्स में बीन वर्ड आता है, जो दूसरा है उसमें भी, तीसरा जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें बीइंग आता है एक्टिव फॉर्म में, जो सिंटेक्स हम पहले ही टेंस में पढ़ चुके हैं, और जो चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें बीइंग आता है। तो जब ये नियम बनाया गया है दोस्तों कि जब भी हमारे एक्टिव फॉर्म में बी बीइंग और बीइंग, बी बीइंग और बीइंग, ये तीनों वर्ड्स अगर हमारे एक्टिव फॉर्म में आ जाएं तो इनका पैसिव नहीं होता, क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम पैसिव फॉर्म में जा रहे हैं तो सिंपल जो हमारे एक्टिव फॉर्म्स के सेंटेंसेस हैं उनमें हम यही तीनों वर्ड्स लगा रहे हैं, बी बीइंग और बीइंग, पर अगर जो हमारा एक्टिव फॉर्म में ही पहले से ये वर्ड्स लगे हुए हैं तो अब हम क्या लगाएंगे पैसिव फॉर्म में, और कोई नया वर्ड हमें और पता ही नहीं, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इनके पैसिव फॉर्म नहीं होंगे। ये चार टेंस तो हमारे इस तरह ख़त्म हो ही गए, बच्चे बस हमारे आठ, जिनमें से हम तीन पढ़ चुके हैं और पांच हम पढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे दोस्तों। अब हम सिंपल पास्ट टेंस में हमें सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स समझते हैं, आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंपली लग जाएगा। ये तो हो गई हमारी एक्टिव फॉर्म, जो सिंटैक्स हमने पहले पढ़ा ही था। अब अगर इसको मुझे पैसिव फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट लगा दूंगा बिना कुछ सोचे, उसके बाद मुझे क्या लगाना था दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वास वर्ब। उधर हमने लगाया था सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, और इधर हम लगा रहे हैं वास वर्ब, और उसके बाद फिर हमारा फिक्स ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, और उसके बाद फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। सिंपल सा सिंटेक्स है दोस्तों, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं उसी को हमने फॉलो किया है उन्हीं लाइन्स पे ही। अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो शी sang a sweet song, उसने एक मीठा गाना गाया था। अब इसका अगर हम पैसिव करेंगे तो a sweet song was, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, sung by she का हो जाएगा हमारा her। ठीक, अब सेकेंडली अगर एग्जाम्पल आई टॉट, इस एग्जाम्पल को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देम एट स्कूल, यहाँ एक नई चीज ऐड हो गई है। तो ये आ गया कि आई मैंने उन्हें पढ़ाया था स्कूल में, प्लेस और ऐड हो गया, अभी तक हमने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा था प्लेस का। तो दोस्तों ये बात एक याद करने की है कि जब भी आप हमारे एक्टिव फॉर्म में कोई प्लेस देखें या फिर टाइम देखें, जैसे हम कर सकते थे आई टॉट देम 10 years अगो, तो इस केस में क्या होगा, जो भी हमारा प्लेस और टाइम है उसकी पोजीशन अनचेंज रहती है। जैसे कि इधर एट स्कूल लास्ट में आया है तो हमारा हमेशा ही ये लास्ट में ही आएगा इसके पैसिव फॉर्म में भी। जैसे कि आइए देखते हैं, दे वर टॉट By me at school लास्ट में था, हमने लास्ट में ही रखा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि जब भी हमारे एक्टिव फॉर्म में प्लेस और टाइम हो तो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम सेंटेंसेज में प्लेस और टाइम की पोजिशन चेंज नहीं होगी। अब एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, He did not tell करेक्ट आंसर,
उसने सही जवाब नहीं दिया था, नॉट आ रहा है नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए डिड आपको याद ही होगा हमने किया था एक्टिव फॉर्म में, हमने पास्ट टेंस में पिछली क्लासेस में। अब इसको अगर हमें लाना है पैसिव फॉर्म में तो क्या उठाएंगे, सबसे पहले करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, करेक्ट आंसर वास, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, करेक्ट आंसर्स होता तो वर हो जाता, वास नॉट टोल्ड बाय ही का हो जाएगा हिम। सही जवाब नहीं दिया गया था उसके द्वारा, या उसने सही जवाब नहीं दिया था, नहीं बताया था, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब हमें समझना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद हमने रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, बिल्कुल उसी की तरह ही हम इसको करेंगे, सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम सही रहता है। तो सबसे पहले तो आएगा हमारा एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वास वर्ब, उसके बाद आ जाएगा वी फोर यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट उठकर आएगा, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वास वर्ब जो इधर लिखी रहा है, उसके बाद दोस्तों अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, याद कीजिए हमने अभी पहले भी पढ़ा था कंटिन्यूअस में जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग यूज किया जाता है, बीइंग वर्ड आ गया, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और लास्ट में तो हमारा है ही सब्जेक्ट। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो उसी अपने पुराने एग्जाम्पल्स की तरफ ही चलते हैं, शी वास सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, अब इसका पैसिव में अ स्वीट सॉन्ग वास बीइंग सॉन्ग बाय हर, वह एक मीठा गाना गा रही थी, एक मीठा गाना उसके द्वारा गाया गया था, ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अगर हम देखते हैं आई को लेकर, आई वाज टीचिंग देम, इसका क्या पैसिव फॉर्म हो जाएगा, दे वर बीइंग टॉट बाय आई का मी हो गया मी। अब इसका हम एक देख लेते हैं नेगेटिव टेंस भी, नेगेटिव में यानी कि हम बना लेते हैं जो हम अभी तक यूज कर रहे थे, ही वाज नॉट टेलिंग करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर वाज, करेक्ट आंसर वाज Not being told by her, वह सही जवाब नहीं दे रहा था, सही जवाब उसके द्वारा नहीं दिया गया था, यहां वास आया ही की वजह से, यहां वास आया करेक्ट आंसर की वजह से, और थर्ड प्लेस में हमने नॉट ही रखा और उसके बाद बींग आया क्योंकि कंटिन्यूअस में पैसिव फॉर्म में बींग आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद बाय और उसके बाद लास्ट में हमने सब्जेक्ट को हर नहीं इधर आएगा हिम, गर्ल होगी तो ही हर आता शी के साथ शी की जगह और बॉय है तो ही की जगह हिम आएगा। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी की तरह अब हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी बिल्कुल दोस्तों पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही चलेगा। सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, ये बात ध्यान देने की है, जैसे हमने पहले पढ़ाई था कि उधर आता था हैज हैव, इधर आ रहा है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर फिक्स है ही क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये होगी हमारी एक्टिव फॉर्म। अब बात करते हैं हम पैसिव फॉर्म की,
ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाना ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, बट उससे पहले बीन आना जरूरी है, उससे उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया हमारा। अब अगर एग्जाम्पल वही हम लेकर चलें, शी हैड संग अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, अ स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर। ये हो गया हमारा एक्टिव का पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें एक और देखते हैं, आई हैड टॉट देम, मैं उन्हें पढ़ा चुका था, दे हैड बीन टॉट बाय मी, दे हैड बीन टॉट बाय मी। अब एक और एक नेगेटिव सेंटेंस भी लेकर देख लेते हैं, ही हैड नॉट टोल्ड करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर नहीं, इधर हमने कर दिया करेक्ट आंसर्स, तो करेक्ट आंसर्स हैड का हैड ही रहेगा, फिर भी हैड नॉट बीन, बीइंग नहीं दोस्तों, ध्यान रखना है इधर बीन है, कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, परफेक्ट में बीन आता है, नॉट बीन टोल्ड बाय हिम। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें थर्ड प्लेस पे बस नॉट लगा दिया, बाकी सब कुछ ही हमने सेम किया था, जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कर रहे थे। इंटरोगेटिव का दोस्तों हम किसी में भी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम अलग से क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव के बारे में। अब आइए फ्यूचर के टेंसेस की बात करते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, दोनों एक ही बात है, तो वही इनके इसमें बस एक ध्यान हमें देना है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इसमें। जैसे कि हमारा जो एक्टिव फॉर्म था, जो हमने पहले भी पढ़ा ही था, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो उसके बाद हमारा आएगा विल शैल। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अभी तक हम इंडेफिनेट टेंस में नहीं लगा रहे थे कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव फॉर्म में, कंपल्सरी नहीं था, पर इधर कंपल्सरी है कि विल या शैल आना ही आना है। उसके साथ में हमारा आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फिर विल शैल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद दोस्तों इधर ध्यान देना है, ये पहला हमारा इंडेफिनेट टेंस आ रहा है जिसमें बी भी आएगा साथ में, इस बात को आप मिस ना करें, ठीक है। हमने पहले जो पढ़े थे पास्ट और प्रेजेंट वाले इंडेफिनेट टेंस, उनमें बी नहीं आ रहा था, बट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में बी का खास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, बाकी सब सेम है ही, सब्जेक्ट आ गया। अब इधर हम अगर सेंटेंस की बात करें, शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, अब इसको अगर हम पैसिव में लाते हैं तो हमारा आ गया सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अ स्वीट सॉन्ग विल बी संग बाय हर। अब अगर ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, अब हम इसको आई के फॉर्म में लेकर देखते हैं, आई विल टीच देम, फिर इसका पैसिव क्या हो जाएगा, दे विल बी टॉट बाय मी, ठीक है। तो बी का हमने यहां यूज किया है, ये बात हमें ध्यान रखना है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, ही विल नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा, अ लाई विल नॉट बी टोल्ड बाय हिम,
उसके द्वारा झूठ नहीं बोला जाएगा। ये हो गया हमारा एक्टिव फॉर्म, ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म। अब इसके बाद लास्ट टेंस की और डिस्कशन कर लेते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हमें ध्यान रखना हैव का। सबसे पहले तो आ गया हमारा एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा विल शैल। विल शैल तो हमारा फ्यूचर में आता ही आता है। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा हैव, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा लाते हैं, उसके बाद फिर हमारा आना है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आ जाएगा हमारा हैव। उसके बाद दोस्तों अभी बी एक और आना है हेल्पिंग वर्ब, बीन, मॉडल आना है एक बीन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फाइनली हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब आइए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। शी विल हैव, वह एक अच्छा गाना गा चुकी होगी। संग आ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। यहाँ बीन आ रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि बीइंग आता है कंटिन्यूअस में, हालांकि तो फ्यूचर कंटिन्यूअस तो होता ही नहीं है, बट फ्यूचर परफेक्ट में बीन आना है। जब भी परफेक्ट के टेंस की बात की जाएगी तो पैसिव फॉर्म में बीन का ध्यान रखना जरूरी है। अब अगर हम एक और एग्जांपल बात करें, आई विल टीच देम, आई विल हैव, यहां हम वर्ब तो भूल ही गए दोस्तों लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है। आई विल हैव टॉट देम, आई विल टीच देम क्या होगा दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल हैव टॉट देम क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका ही हमें लाना है हमको पैसिव फॉर्म में, दे विल हैव बीन टॉट बाय मी। अब इसकी बात करेंगे हम एक नेगेटिव सेंटेंस की, He will not have told a lie. Not कहाँ थे दोस्तों, थर्ड प्लेस पे, not have told a lie. A lie will not have के बाद आएगा हमारा been told by her. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। इसी के साथ दोस्तों हमने अपने बेसिक रूल सारे क्लियर कर लिए एक्टिव एंड पैसिव की आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मिसलेनियस रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस ना करें। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एटलीस्ट एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस का बेसिक्स तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको क्लास के बाद से प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, ताकि इसमें अगर आपको कोई डाउट भी आए तो आप हमें बताइए और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे कमेंट सेक्शन में। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो लाइक करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।